विधायक कल्याण सिंह जी माता जी का स्वर्गवास हो गया था। आज उनके परिवार में कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में शामिल होने आया था इस दुख की घड़ी में, और जो कार्यक्रम माता जी के ना रहने पर संपन्न हो रहा है उस कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया था। ये कन्नौज क्षेत्र और इनका गांव और आसपास का क्षेत्र हम लोगों के लिए नया नहीं है। राजनीति जब शुरुआत हुई इसी क्षेत्र के लोगों से मिलकर के, और इसी क्षेत्र के लोगों ने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमेशा किया है। ये कहाँ चुनाव लड़ना है ये पार्टी तय करेगी, और भविष्य में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने उस दिशा में समाजवादी कार्यकर्ता नेता हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। देखिए कभी कभी लोगों को सदमा लगता है, आप सब लोग जानते हो जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा, ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है, ये कार्यक्रमों का हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हो तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है, हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते। और देखो हमारे यहाँ तो बाल बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती है जिनके बाल ना हो गंजे जो लोग। और जो काले रंग की टोपी है पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, खुशी का है, त्योहारों का है, हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिर का नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। अस्पतालों की हालत क्या है आज? अस्पतालों की हालत क्या है? जो अस्पताल बनाए गए थे समाजवादी सरकार में वो भी अस्पताल नहीं चला पा रहे, स्कूल की व्यवस्था ठप हो गई, बच्चों को जो फल मिलते थे वो नहीं मिल पा रहे, खाना जो स्वादिष्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ड्रेस नहीं, कपड़े नहीं, उनके पास पढ़ाई के लिए कोई इंतजाम नहीं, और जो महंगाई बढ़ गई है इन्हें लाल रंग याद आ रहा है लेकिन जो महंगाई बढ़ गई उसका याद नहीं आ रहा है इनको, जो बेरोजगारी फैली उसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं। और ये कन्नौज, कन्नौज के लोग क्यों भूल जाते हो? इसी जिले में एक बेटी को बताओ पिता क्या चाहता था, इसी जिले में क्या एक बेटी को नहीं लटका दिया गया, जान नहीं चली गई उसकी, कोई चर्चा कर रहा उसके बारे में? और बगल का जिला है, दो दो लोगों की जान गई कि हत्या की गई कि आत्महत्या कर ली, सरकार के पास क्या जवाब है? सरकार के पास कोई जवाब हो तो बताए सरकार। और यहाँ पर इसी जिले में क्या बेटी को एक फांसी पर ही लटका दिया गया, उसके परिवार वाले क्या संतुष्ट हैं उससे जान से? और केवल यही नहीं, दो जिले नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो हर दिन घटना हो रही है बेटी के ऊपर, छोटी छोटी बालिकाएं हैं उनके साथ घटनाएं हो रही है। सरकार क्या कर रही है आखिरकार? सरकार इसीलिए जानबूझ करके इधर उधर वाली बात कर रही है क्योंकि वो सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षित हमारी माताएं बहने रहें। कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन चैन स्नैचिंग नहीं हो रही हो, सीसीटीवी में हम लोग देख रहे हैं लगातार वो घटनाएं मिल रही है, सूचनाएं मिल रही है। आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में
जो हमारे व्यापारी हैं उनके यहाँ लूट हो रही। सुल्तानपुर में करोड़ों रुपए की लूट हो गई। सरकार क्या सो रही थी? सोचिए, दिन दहाड़े लूट हो गए। सीसीटीवी में कैद है, हर कैमरे में चल रहा है, हर न्यूज चैनल में चल रहा है। और उसके बाद ऐसा ही नहीं घटना और नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में, और जिलों से भी खबरें आ रही है कि जहां पर घटना इस तरह की लूट की हुई है। तो सरकार क्या सो रही है, क्या करे सरकार? अयोध्या में सर्किट रेट से जमीन बना जा रहा है। देखिए, गरीबों से जब जमीन ले ली गई, जब गरीब ये मांग कर रहा था कि वहां पर सर्किट रेट बढ़ा करके 4 गुना 6 गुना मुआवजा दिया जाए, तो सरकार ने वहां का ना सर्किट रेट बढ़ाया, ना किसानों को मुआवजा देने के लिए वो इंतजाम किए किया। और जो बड़े लोगों ने, कारोबारियों ने, वो खासकर बीजेपी के लोगों ने जमीन ले ली, बीजेपी के लोगों को मुनाफा मिले, वो ज्यादा पैसा कमाए, गरीब जो जानकार नहीं था, उसको जानकारी नहीं थी, वो सस्ते में जमीन बेच गया, सस्ते में ले ली। और अब जब जमीनें बीजेपी के लोगों के पास पहुंच गई, बड़े कारोबारियों के पास जमीन पहुंच गई, तो सर्किट रेट बढ़ाया जा रहा है जिससे उन्हें मुनाफा ज्यादा हो। हम लोगों की ये मांग थी कि किसानों से जमीन ली जाए तो सर्किट रेट बढ़ा करके ली जाए, तब सरकार ने सर्किट रेट नहीं बढ़ाया। गरीब हमारा किसान वो समझ नहीं पाया, उसकी जमीन जब बीजेपी वालों ने दूसरों को बिकवा दी, खुद खरीद ली, उसके बाद उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए सर्किट रेट बढ़ाया जा रहा है। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, बीजेपी के लोगों पर सफाई है। और याद रखना, बीजेपी वाले कई बार रणनीति अपनाते हैं कि अपने एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।